हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। यह हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का 37 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2-बिट रिपल अप या डाउन निगेटिव वेस्ट ट्रिगर्ड काउंटर। अब तक हमने जो देखा था काउंटर, वो क्या होता था, या तो अप काउंटर होता था या तो डाउन काउंटर होता था। लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं वो एक ही काउंटर हमारा कुछ कंडीशन पे अप काउंटिंग करेगा एंड अगर हम वो कंडीशन चेंज कर देंगे तो वो डाउन काउंटिंग काम करेगा। ठीक है, इट मीन्स एक ही काउंटर में हमें दोनों चीज़ करना, अप भी करना है डाउन भी करना है। ठीक है, अब ये 2-बिट है, इट मीन्स हमें दो फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, हमने दो फ्लिप फ्लॉप ले लिया। नेगेटिव एस ट्रिगर्ड है, नेगेटिव एस ट्रिगर्ड हमने जेके फ्लिप फ्लॉप लिया, टी भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चीज़ ये देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये अप काउंटर काम करता है कब काम करता है, अगर आप ये जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए क्लॉक क्यू नॉट को देते हो, अगर क्यू नॉट का आउटपुट अगर इसको क्लॉक दे देते हो एंड ये निगेटिव बेस ट्रिगर्ड है तो ये क्या काम करेगा, अप काउंटिंग का काम करेगा, अप काउंटर का काम करेगा। एंड अगर ये क्यू नॉट बार को आउटपुट अगर आप इसमें क्लॉक का दे देते हो तो ये डाउन काउंटर का काम करेगा। ठीक है, तो ये पूरा फ्लिप काउंटर अप काउंटर का काम करेगा या डाउन काउंटर का काम करेगा, ये किस पर आपको डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप ये जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका किसका आउटपुट सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम कर रहे हो, यूज दे रहे हो। अगर क्यू नॉट दे रहे हो तो अप काउंटर एंड क्यू नॉट बार दे रहे हो तो डाउन काउंटर, इट मीन्स इन दोनों के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये भी आपको पता है कि एक टाइम में एक ही आउटपुट जाएगा, या तो इसका आउटपुट जाएगा या तो इसका आउटपुट जाएगा, दोनों का तो जा नहीं सकता है। तो इट मीन्स आपका इनपुट दो है एंड आउटपुट आपको सिंगल चाहिए, इट मीन्स आपको कौन सा ऐसा सर्किट यहाँ पर लगाओगे कि आपका ये काम बन जाए, दो इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या लगाना है, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक मल्टीप्लेक्सर लगा दोगे। अब मल्टीप्लेक्सर लगाओगे कितने का, 2:1 का, क्योंकि आपका इनपुट दो है क्यू नॉट एंड क्यू नॉट बार एंड आउटपुट आपका एक है। ठीक है, ये 2×1 का आपने मल्टीप्लेक्सर लगा दिया। अब 2×1 के मल्टीप्लेक्सर में एक सिलेक्ट लाइन भी होता है, तो आपको सिलेक्ट लाइन यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम बोले तो मोड, मोड बोलते हैं कि आपका ये जो काउंटर है वो किस मोड में काम कर रहा है, अप काउंटर में काम कर रहा है कि डाउन काउंटर में काम कर रहा है। अब देखो, अगर आपका एम का वैल्यू अगर जीरो होता है मल्टीप्लेक्सर में, आप याद करो कि सिलेक्ट लाइन का अगर वैल्यू अगर जीरो होता है तो ये जीरो है एंड ये वन है, तो आपका क्या काम करता है कि ये वाला आउटपुट इनपुट, ये वाला इनपुट कहाँ जाता है, आउटपुट में। एंड अगर आपका एम का वैल्यू अगर वन है तो ये वाला इनपुट आपका जाता है आउटपुट पे। तो इट मीन्स एम इक्वल टू अगर आपका जीरो है तो आपका किसका कौन सा आउटपुट जाएगा, क्यू नॉट इनपुट वाला जाएगा आउटपुट पे, इट मीन्स क्यू नॉट काम करेगा एज ए क्लॉक का। तो अगर आपका क्यू नॉट अगर क्लॉक का काम कर रहा है तो इट मीन्स ये किसका काम करेगा, अप काउंटर, अप काउंटिंग करेगा ये। एंड अगर एम इक्वल टू अगर आपका वन है, एम इक्वल टू वन होता है तो ये सेकेंड वाला इनपुट आउटपुट पे जाता है, तो यहाँ पर आपका जाएगा आउटपुट क्यू नॉट बार एंड ये काम करेगा डाउन काउंटिंग। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज ही हैं, सब कुछ आप जैसे काउंटर डिजाइन करते थे वैसे ही, आपको बस यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्सर लगाना है एंड वो भी 2×1 का, क्योंकि आपका दो फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि दो आप दो फ्लिप फ्लॉप नहीं, आपके दो इनपुट हैं एंड आपको सिंगल आउटपुट देना है। एंड एक सिलेक्ट लाइन लगा दिया, सिलेक्ट लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट लाइन नहीं बोलेंगे, मोड बोलेंगे, मोड बोले तो आपका काउंटर किस मोड में काम कर रहा है, अप काउंटर या डाउन काउंटर। अगर एम अगर जीरो है तो आपका ये वाला क्यू नॉट इनपुट आपके आउटपुट पे जाएगा, क्यू नॉट इट मीन्स क्यू नॉट आपका क्लॉक का काम करेगा एंड अगर वन है तो क्यू नॉट बार आपका क्लॉक का काम करेगा। क्यू नॉट अगर क्लॉक का काम कर रहा है ये निगेटिव एंड ये भी निगेटिव तो आपका अप काउंटर काम करेगा, एंड अगर ये अगर काम कर रहा है तो ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव तो आपका डाउन काउंटर का काम करेगा। अगर आपने मल्टीप्लेक्सर का वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मल्टीप्लेक्सर का वीडियो आप देख सकते हो, तो ये मैंने मल्टीप्लेक्सर को भी डिजाइन कर बना रखा है। आपका 2×1 का मल्टीप्लेक्सर हो गया, इनपुट आपका दो है क्यू नॉट एंड क्यू नॉट बार एंड आउटपुट आपका सिंगल है। एंड अगर उसका टेबल देखो तो एम का वैल्यू जीरो हो सकता है, एम का वैल्यू वन भी हो सकता है एंड आउटपुट, अगर एम का वैल्यू अगर जीरो तो आउटपुट आपका क्यू नॉट आएगा एंड अगर एम का वैल्यू वन हो तो आपका आउटपुट क्यू नॉट बार आएगा। ठीक है, एंड ये आपका एक्सप्रेशन होता है वाई इक्वल टू एम बार क्यू नॉट एंड एम क्यू नॉट बार। ठीक है, ये आपका लॉजिक डायग्राम हो गया। तो आप या तो आप मल्टीप्लेक्सर को आप डायग्राम में दिखा दो, ना तो आपको
ये एज इट इज ये वाला लॉजिक डायग्राम आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो। सेम है वही 2x1 का मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम है। आप अगर और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मल्टीप्लेक्सर वाला वीडियो देख लो। अब हम देखते हैं कि 3-bit ट्रिपल अप डाउन काउंटर को कैसे डिजाइन करते हैं। तो अब देखते हैं 3-bit रिपल अप डाउन यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इट मीन्स आपको 3-bit का काउंटर डिजाइन करना है एंड सेम काउंटर आपको अप भी काउंटर काम करना चाहिए एंड डाउन भी काउंटर काम करना चाहिए एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो मैंने यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप लिया। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड इट मीन्स आपको पॉजिटिव क्लॉक प्रोवाइड करना है। पॉजिटिव क्लॉक मैंने दे दिया एंड इसको अप एंड डाउन काउंटर करने के लिए आपको क्या करना होगा, बीच में मल्टीप्लेक्सर लगाना होगा। एंड कितने का मल्टीप्लेक्सर लगाओगे, आपका 2 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट करना है। इट मीन्स आपको 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लगाओगे, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर, ठीक है। एक आउटपुट इनपुट ये होगा एंड एक इनपुट ये होगा एंड ये इसका आउटपुट, एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया एंड इसका आउटपुट, ये 2x1 का मल्टीप्लेक्सर, 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। इसका भी एक सिलेक्ट लाइन होगा, इसका भी सिलेक्ट लाइन होगा, दोनों का सिलेक्ट लाइन को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एंड ये हो जाएगा M, ठीक है। अभी हमने देखा था कैसे करना है ये टी। तो जैसे सिंपल है, जैसे हम लोग डिजाइन करते थे अप काउंटर या डाउन काउंटर वैसे ही डिजाइन करेंगे, बस चेंजेस हमारा आएगा ये मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। क्योंकि काउंटर हमारा अप काउंटर काम करता है या डाउन काउंटर काम करता है ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है बस कि हमारा जो ये क्लॉक जो आता है वो किसका आ रहा है, क्यू नॉट का आ रहा है या क्यू नॉट बार का आ रहा है, इसमें क्यू वन का आ रहा है या क्यू नॉट बार का आ रहा है, बस इसी के तो क्लॉक पे तो डिपेंड करता है ना, डिसाइड करता है कि ये अप काउंटर काउंटर काम करेगा या डाउन काउंटर। तो ये हमने दे दिया। अगर m इक्वल टू अगर 0 आता है तो ये क्यू नॉट हमारा आउटपुट पे जाएगा, तो क्यू नॉट जा रहा है ये एंड ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव। इट मीन्स हमारा ये किस पे काम करेगा, डाउन काउंटर पे काम करेगा, डाउन काउंटिंग करेगा ये। m अगर इक्वल टू 0 होता है तो क्यू नॉट, ये क्यू नॉट का आउटपुट जाएगा एंड यहाँ पर क्यू वन का आउटपुट जाएगा। तो अगर ये क्यू नॉट जा रहा है ये निगेटिव, अब देखो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको ये क्लॉक है पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिव, एंड अगर क्यू नॉट जा रहा है ये डाउन जा रहा है ना, ये डाउन ऐसे हाई से लो जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है, इट मीन्स ये निगेटिव है। तो प्लस इनटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का मतलब क्या हुआ, ये डाउन काउंटिंग काम करेगा, ठीक है। एंड अगर वही देखो m इक्वल टू अगर आप 1 करो, m इक्वल टू 1 जैसे करोगे तो आपका आउटपुट पे कौन सा जाएगा, ये क्यू नॉट बार का इनपुट जाएगा, ये वाला इनपुट आपका आउटपुट पे जाएगा। इट मीन्स ये वाला क्यू नॉट बार आपका क्लॉक की तरह काम करेगा एंड यहाँ पर भी वही क्यू नॉट बार आपका क्लॉक की तरह काम करेगा। तो देखो क्लॉक आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू, एंड ये देखो 0 to high, ये 0 है एंड यहाँ पर ऐसे सिंबल बन रहा है ना, अगर ऐसा सिंबल हो तो इसमें इसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है, तो ये इट मीन्स ये अप काउंटिंग का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं फर्स्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। तो ये m इक्वल टू 1 अगर हो तो ये अप काउंटिंग का काम करेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि अगर सेम काउंटर में अप काउंटिंग भी काम करना है एंड डाउन काउंटर भी काम करना है तो आपको कैसे करना है, केवल आपको मल्टीप्लेक्सर लगाना होगा एंड उसका कनेक्शन करना होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें एंड अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।